नमस्कार, मैं उजेवा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि की नवमी तिथि पर आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मां भगवती के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद नौ कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पर धार कर बात का पारायण किया। बताया ये जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से कन्या पूजन किया है। पीतल के थार में योगी ने देवी की नौ रूपी कन्याओं और बटुक भैरव के एक एक कर पांव पखारे, साथ ही दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत और दूब का तिलक लगाया है। माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर, उपहार और दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी लिया है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरखपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन नौ स्वरूपों स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। पूरे देश में दशहरे को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दसवीं के दिन रावण के पुतले को दहन करने की तैयारियां जोरों पर हैं। अलीगढ़ में भी कारीगरों के द्वारा रावण के पुतले को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं अलीगढ़ में इस बार का रावण बेहद ही खास बनाया गया है। पिछली चार पीढ़ियों से मोहम्मद अशफाक के परिवार के यहाँ पर रावण का पुतला बनता है। बता दें, अशफाक खान ने बताया कि शहर के अचलताल स्थित रामलीला मैदान में चल रही रामलीला में इस बार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले खास होंगे। नुमाइश मैदान में आयोजित होने वाले दशहरा मेले में रावण का पुतला तक लगाया जाएगा। प्रभु श्री राम का तीर लगते ही रावण की आंखों में नाभि से खून की धार बहेगी। अलीगढ़ मंडल के पुलिस महानिरीक्षक प्रभाकर चौधरी ने हाल ही में ही मंडल का कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद डीआईजी प्रभाकर चौधरी प्रथम बार जनपद एटा भ्रमण करने पहुंचे हैं, जहां पहुंचते ही उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ में भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च किया है। मार्च के दौरान डीआईजी चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी अवलोकन उन्होंने किया है। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने आगामी विजयदशमी को लगने वाले मेले के अवसर पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस लाइन में एसएसपी एटा और समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की है। यहाँ पे मैंने अभी जो निरीक्षण किया उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो ऐसे भी उसके माध्यम से भी क्राउड पे नजर रखी जाती है। और चूंकि देहात से लोग आते हैं और शाम तक चले जाते हैं, तो रात में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ग्राउंड भी काफी बड़ा है, व्यवस्थाएं काफी ठीक है,
साथ ही जो बेसिक चीजें उस पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे बीट कांस्टेबल का प्रॉपर नियुक्ति रहे, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, बीट प्रणाली सुदृढ़ हो, इन सब चीजों पे काफी जोर दिया जा रहा है। सर, त्योहारों का मौसम है और आने वाले समय में भी कई त्योहार है, तो किस तरह से जो कम्युनल हार्मनी है उसको बनाए रखने, क्या कुछ पीस कमेटी की मीटिंग होनी है या कुछ संपर्क किस तरह के होने हैं? ऐसी मीटिंग्स ऑलरेडी चल रही है, पीस कमेटी की मीटिंग, और जो धर्म गुरु लोग हैं विभिन्न धर्मों के, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखा जा रहा है।